पिछले 15 मिनट से ऐसे ही बैठी हुई हूँ कि ये टप टप की आवाज़ जो आ रही है ना आए, बट आई कांट वेट एनी मोर, सो जस्ट डील विद इट और इग्नोर करना. वैसे मैं कोशिश करूँगी ये नहीं सुनाई दे. सो या हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. और मैं आ गई हूँ दूसरे सवाना हॉल के साथ एंड आई एम रियली एक्साइटेड. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड सारे प्राइजेस आपको हमेशा की तरह यहाँ मेंशन हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सो बेसिकली मैंने मोस्टली टॉप्स मंगवाया और एक वन पीस मैंने मंगवाया था. ड्रेस जो ड्रेस बोलते हैं, मेरे को आदत है मैं वन पीस बोलती हूँ कब से. एनीवेज, सो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टी शर्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ऑल्सो आई गॉट टू स्टिकर्स लाइक इन साइड दिस सवाना पैकेज विच इज सो क्यूट. सबसे पहले ये वाला है. तो मुझे ना कब से एक टी शर्ट चाहिए थी जो थोड़ी हाई स्कूल वाइब दे. तो ये है ग्रे एंड ब्लू में. प्रिटी बेसिक बट ये बहुत ही सुंदर लगती है. तुम इसको डेनिम के साथ कैरी करो एंड जो इसका मटेरियल है वो बहुत ही ब्रीदेबल है. बहुत ही अच्छा लगा मुझे. बहुत ही सॉफ्ट है एंड आई लाइक इट. ये मैंने कौन से साइज में मंगवाया था? आई गेस मैंने सब कुछ स्मॉल साइज में मंगवाया है. तो फॉर स्मॉल साइज मुझे थोड़ा बड़ा लगा बट पहन के थोड़ा अलग ही लगता है. तो आपको साइड में दिख जाएगा आप जब देखोगे. सो या आई लाइक इट. द क्वालिटी इज नाइस और आई गेस इसकी आर्म्स यहाँ तक आती हैं. बाकी पहन के पता चलेगा. कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है गाइस. एंड इसमें लिखा है अकेडमी ऑफ प्योर ऑसमनेस. ये थी मेरी फर्स्ट टी शर्ट फ्रॉम सवाना. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. लाइट है, ब्रीदेबल है, क्वालिटी टॉप नॉच है. सेकेंड बैगेज में सारा पिंक में है सामान. एंड मैं स्टिकर की जो बात कर रही थी ना गाइस, वो ऐसे मिलते हैं. दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग दीज स्टिकर्स. दिस इज सो क्यूट. इसमें लिखा है लिमिटलेस OMG गर्ली पॉप हुएट फ्री स्पिरिट माई ग्रास इज ग्रीन इनफ. लाइक बहुत ही अच्छे अच्छे क्वर्की स्टिकर्स हैं. With little pink bow, sunshine, flower, it's so cute. मुझे बहुत पसंद आया ये चीज सवाना जो कर रहा है. So next we have this pink tee. Let me open this. I am so excited, guys. मतलब मुझे बहुत ही प्यारी लगी. मैं सब खोल के प्यारे से देख चुकी हूँ. But anyways, ये है सेकेंड टी शर्ट. इसका मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा है. ब्रीदेबल है, स्ट्रेचेबल है एंड द डिटेलिंग राइट हेयर. मतलब ये बहुत ज़्यादा ना वो सांबा शूज वाली जो प्रॉपर लुक बनाते हो ना तुम डेनिम्स, ये और सांबा शूज का लगेगी लुक. और इसके साथ तुम व्हाइट स्कर्ट, ब्लैक स्कर्ट, नीचे कॉन्वर्स या न्यू बैलेंस शूज. ओह माय गॉड, ये है दूसरी टी शर्ट. मुझे तो बहुत ही प्यारी लगी. I'm looking so pretty in this. Also, this is in size small. Green check from my side. Next up, I have this tube top that I got. This is really very pretty. I mean, let me show you. ये आजकल ना बहुत ट्रेंड में है. Look at this beauty. So it has this cute bow detailing going on, which is looking so pretty. I mean, बहुत ही ज़्यादा Pinterest vibes दे रही है ये tube top. और ये पहन के तो और भी अच्छा लगेगा. You can see this. यहाँ पे मैं डाल दूंगी. आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी एंड मैंने ट्यूब टॉप कभी मंगवाया नहीं है. सो इट्स माय फर्स्ट टाइम एंड इट्स प्रीटी क्यूट. लाइक पूरा पिंटरेस्ट वाइब दे रहा है. मतलब वो सॉफ्ट गर्ल पिंटरेस्ट वाइब चेक. एंड इट्स इन स्मॉल साइज अगेन. मैंने सब कुछ स्मॉल साइज में मंगवाया है. बाकी ये पहन के पता चलेगा. मुझे लगा एक्स्ट्रा स्मॉल बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड हो जाता तो मैंने स्मॉल साइज मंगवाया है. सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस पिंक शर्ट. इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ. मेरे को ये बहुत ही पसंद आई. अगर मुझे ब्लू में मिलेगी मैं तब भी ले लूंगी. एंड ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है. सो ये कुछ ऐसी है. इसकी फुल आर्म्स है पीछे से. ये कुछ ऐसी है. एंड यहाँ पे ऐसे तो बटन दे रखा है. ऑल्सो पीछे से ना इसमें एक डिटेलिंग दे रखी है. यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे. और बीच में ये दो प्लेट्स दे रखी हैं विच इज लुकिंग सो क्यूट. और आगे से नॉर्मल जो कॉलर है. एंड क्वालिटी इज सो नाइस गाइस. एंड ये ना वन साइज में अवेलेबल थी अगर मैं सही हूँ तो. नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी. वैसे तो मुझे याद नहीं है. और शर्ट्स तो मेनली मुझे थोड़ी ओवर साइज ही अच्छी लगती है. तो मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी. इट्स परफेक्ट गाइज. एंड द क्वालिटी इज रियली नाइस. कपड़ा बहुत ही ब्रीदेबल है. कपड़ा बहुत ही अच्छा है. मुझे बहुत पसंद आया. सो फाइनली लास्ट ड्रेस हमारी जो मैंने मंगवाई थी अगेन इन डस्की पिंक और पेल पिंक और न्यूड पिंक, वॉट एवर यू कैन कॉल इट. आई एम सो फ्रीली इरिटेटेड बाय द नॉइस. लेट मी ओपन दिस फॉर यू. ये कुछ ऐसी दिखती है गाइस. इट्स सो फ्री. इसमें रोजेस बने हुए हैं ब्लैक कलर के
एंड थोड़ा सा मतलब रोज प्रिंट ही है। मुझे लगा था कि मैश डिटेलिंग के साथ आएगा बट मैश डिटेलिंग के साथ नहीं आया। एनी वेज फिर भी अच्छी लगी मुझे और पहन के ही पता चलेगा कि प्रॉपर कैसी लगती है। बट या ये कुछ ऐसी है। सामने चेस्ट एरिया पे भी इसमें कप्स दे रखे हैं, ऐसे बना रखे हैं, लाइक वैसा स्टाइल बना रखे हैं। एंड जो इसका कपड़ा है ना वो ज्यादा मोटा नहीं है, लाइक एज यू कैन सी, देख पा रहे हो आप मुझे, तो ऐसा भी नहीं बोलूंगी बहुत ही ज्यादा इनविजिबल है बट सही है, मतलब मीडियम है। और इसके साथ ये पाइप वाली क्या बोलेंगे इसको, ये दे रखा है पाइप वाला स्टाइल। सो आई वुड से ये जो कपड़ा है ना वो पतला है, ज्यादा मोटा नहीं है और इतना भी पतला नहीं है, मतलब मीडियोकर है, पहन के और अच्छे से पता चलेगा। बाकी बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर, मतलब बहुत ही प्यारा लगा मुझे ये कलर, ये बहुत यूनिक कलर है। ओके सो इट्स इन स्मॉल साइज एंड इट्स इन खाकी कलर, नॉट पिंक कलर, इसको खाकी कलर बोलेंगे। बट ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये कलर, लाइक इसको प्रॉपर खाकी भी नहीं बोल सकते ना, मतलब खाकी प्लस थोड़ा न्यूड पिंक मिक्स, अच्छा है, पहन के पता चलेगा बाकी तो ये कैसी लग रही है। सो या ये था हमारा लास्ट प्रोडक्ट, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप आपको सब पसंद आया हो। मैंने स्पेशली ना पिंक कैटेगरी चूज की थी एंड सारा का सारा ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगा, तो आप वहां पे चेकआउट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर सब कर देना। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय के फैम, टेक केयर। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज काम छोड़ दूँ, मतलब बिजनेस छोड़ दूँ अपना। आई एम सो फ्रीकिंग अनॉयड राइट नाउ, आई एम सो इरिटेटेड। I'm just surviving with this construction. Yo, yo, yo. Look at me, look at me. I'm so irritated. ये नहीं खत्म हो रहा, जब मैं शुरू होती हूँ तब शुरू हो जाता है। And it's disturbing. And मैं मिलती हूँ आपसे next video में, vlog में, क्या बोलूँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।